काफी सब्सक्राइबर हैं जो मैसेज करके पूछ रहे थे इंस्टाग्राम। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं जल महल की तरफ, जहाँ पर दो दिन दिख रहा तेरे को ये देखना भाई। देखिए एंट्री के बाद थोड़ा सा रिलैक्स मिला यार, क्यों जल महल पे किस तरीके से उसको रोशन कर रहे हैं। कैसा है भाई? कुछ थर्ड फेज आ गया इसका, हम सोच रहे थे वहाँ स्टफ्ड मलाई सोया चाप। हे गाइस वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आप लोग सोच रहे होंगे यार काफ़ी दिन हो गए तो वीडियो भी नहीं अपलोड हो रहा है, तो वीडियो इसलिए अपलोड नहीं हो रहा था क्योंकि घर का भी काम चल रहा है और मैं थोड़ा काम में बिजी चल रहा हूँ अभी। तो आज लगा मुझे वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि काफ़ी लोगों को शिकायत थी कि यार भाई के वीडियो क्यों नहीं आ रहे। चलो यार गाड़ी की तरफ, और गाड़ी में करते हैं आगे की सारी बात। तो भाई अशोक तो आ गया, अभी अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा। भैया रोहित भी आ गया भाई, हमारा रोड देख लीजिए, ये अपना रोड है। हाँ तो जी मैं बता रहा था आप लोगों को क्यों वीडियो नहीं आ रहे थे, और काफी सब्सक्राइबर हैं जो मैसेज करके पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कि यार अभी वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब घर का थोड़ा काम चल रहा है जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, और थोड़ा मैं लाइफ में भी बिजी हूँ जिस वजह से यूट्यूब को अभी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ कंटेंट। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं जल महल की तरफ, जहाँ पर दो दिन के लिए नाइट मार्केट लगा हुआ है और काफी अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 8:34, बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं अपन। खतरनाक विलन था यार ये उस टाइम का। लो भाई यहाँ पार्किंग तो मिल गई, तो यहाँ फटाफट अपनी गाड़ी लगाते हैं पार्क। तो भाई टाइम देखे 8:51 हो गए हैं, तो यार ट्रैफिक बहुत ज्यादा था जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो अभी चल रहे अपन सीधा मार्केट की तरफ, जहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पढ़ा था कि यहाँ पे 50 रुपीज का टिकट है। तो भाई यहाँ पे कैश पेमेंट चल रहा है, और दिखाऊँ मैं आपको क्राउड। तो भाई देख सकते हो ट्रायल में चल रहा है अभी, और ट्रायल में इतना हिट हो गया कि यहाँ पे मतलब एंट्री नहीं मिल पा रही है रात को 9 बजे भी, और अपन तो स्ट्रगल कर रहे हैं बाहर खड़े होके यार कि कैसे अंदर जाएं। हाँ तो जी एंट्री कर रहे हैं यहाँ से, चलिए चलिए। और ये देखो यार कितनी तगड़ी भीड़ है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पर आना भी मतलब अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि देखो यार अभी पब्लिक ये देखो वो सामने देखे जल महल कैसे चकमका रहा है। और भाई डेकोरेशन देखिए कितनी शानदार डेकोरेशन है। तो बैक कैमरा ही ऑन रखते हैं अपन, अब हमारी शक्ल में क्या रखा आ जा। और भाई ये जो है पूरी जल महल की पाल है जो आपको दिख रहा होगा सामने। भाई देखिए एंट्री के बाद थोड़ा सा रिलैक्स मिला यार, क्योंकि यहाँ पे मतलब थोड़ी भीड़ कम है, बट जैसा कि आपको दिख रहा होगा लाइट का डेकोरेशन काफ़ी अच्छा है। और ये ट्रायल के लिए स्टार्ट किया है, और पहले एक महीने पहले ये चौड़ा रास्ता में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, बट ये अभी देखिए जल महल की तरफ ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया पब्लिक। और ये गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसमें ये चाह रहे थे कि यार कुछ टेस्ट करना कि यार लोगों का इंटरेस्ट कैसा है नाइट मार्केट को लेकर। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा, और ये लास्ट डे है क्योंकि दो दिन के लिए ये ट्रायल स्टार्ट किया गया था नाइट मार्केट का। ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है जयपुर के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये नाइट मार्केट किया गया है ऑर्गेनाइज। अभी क्राउड को देख के क्या लग रहा है, सक्सेस होगा कि नहीं होगा? सक्सेस होगा, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स तो अच्छा दिख रहा है यार लोगों का, जो अभी देखो बाहर तो अभी लाइन लग रही है। रिक्स है इधर यार, सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है। दोस्तों बता दूं यहाँ पे 150+ स्टॉल्स हैं, और ये दो दिन के लिए ट्रायल के लिए लगाया गया मार्केट है, जिसमें भी देख रहे हैं जो सरकार की स्कीम है कि नाइट टूरिज्म को बढ़ावा दे राजस्थान के। और इतनी भीड़ में हमें हमारी सब्सक्राइबर फैमिली के कुछ सदस्य मिले जिनके साथ हम सेल्फियां ले रहे थे। भाई ये लग रहे हैं प्रोजेक्टर्स, आपको दिख रहा होगा, तो वो देखिए जल महल पे किस तरीके से उसको रोशन कर रहे हैं। वो देखिए भाई कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। और ये अपने पीछे देखो ऑर्केस्ट्रा, पूरा बैंड वगैरह लगा हुआ है, ऑर्केस्ट्रा टीम। तो यार कितनी देर में होगा स्टार्ट? ये चालू होने वाला है क्या? चलो तो आएंगे हम थोड़ी देर में। तो भाई ये देखिए गेस्ट के लिए यहाँ बैठने की सुविधा है, और सबसे पहले ऑर्केस्ट्रा के बाद ये देखो लोकल म्यूजिशियंस। अर्ज क्या है, अर्ज क्या है कि उनकी जुल्फों की हमने क्या कसम खा ली? क्या बात है कि उनकी उनकी जुल्फों की हमने क्या कसम खा ली? साली कमल तो सूखने वाली।
और यहाँ से स्टॉल्स स्टार्ट हो जाती है। तो ये ज्वेलरी है, हैंडीक्राफ्ट का है आइटम, शानदार लग रहा है महादेव का यार भाई, कान के झुमके। अभी तक जितने भी आइटम आए उनमें से शायद इक्का दुक्का हमारे काम का आया और हमने 10 स्टॉल क्रॉस कर दिए। ये भी घर के डेकोरेशन के लिए, मतलब दिवाली नजदीक है तो घर को डेकोरेट करने के लिए सामान मिल रहा बढ़िया यार। मोस्टली तो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का ही सामान दिख रहा है देखने को जो मिल रहा है। तो ये देखो चूड़े वगैरह, जयपुर के फेमस शर्मा जी के गोल गप्पे। तो भाई इधर कैमल राइड भी करने को मिलेगी आपको। तो ये आज वैसे तो लास्ट है लेकिन ये ट्रायल था जो कि मुझे लग रहा है हिट हुआ है क्योंकि यार भीड़ दिखाता हूँ दोबारा से। ये देखो यार म्यूजिक ज्यादा होने की वजह से अपन थोड़ा आगे जाके शूट करेंगे क्योंकि ये कॉपीराइट का इशू आ सकता है। थंबनेल लेना है, थंबनेल तू ले। पब्लिक ज्यादा होती है तो भी प्रॉब्लम होती है और पब्लिक कम होती है तो भी ज्यादा मजा नहीं आता। तो भाई यहाँ पे कुछ अलग तरीके की स्टॉल्स देखने को मिलेगी और उनके जो नाम हैं ऊपर लिखे हुए हैं तो एक एक को पढ़ना मुश्किल है। माय क्रिएशन तो मैंने पढ़ लिया, फ्लाइंग कलर्स, और यहाँ पे क्या है तुषार क्रिएशंस, प्रियांशी हैंडीक्राफ्ट्स। तो यार इतनी मेहनत हो गई है ना कि भूख लगने लग गई है और टाइम भी यार काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 9:25 हो चुके हैं। तो अभी कुछ खा लेते हैं, तो रबड़ी देखते हैं, रबड़ी का टेस्ट लेते हैं दे दो। तो भाई अपन ले रहे हैं यहाँ पे रबड़ी, अपनी रबड़ी आ गई है 70 की। तो इतना सा बॉल 70 का, हाँ कैसा है भाई? ये देखो भाई रोहित ने कर दिया कचरा। पकड़ा गया भैया, पकड़ा गया तू, साला बच्चों की तरह खाता है। हट। मैं कह रहा था आइसक्रीम ले लो, अभी ले लेते हैं, क्या हो गया? थंबनेल, ओ थंबनेल भी दिख गया हमें, मतलब थंबनेल ढूंढना भी अपने आप में एक टास्क है। तो यहाँ पे थंबनेल ढूंढते हम यहाँ गए। ये सही लग रहा है यार, यहाँ पे ब्लिंक कर रही है लाइट, ऐसा है नहीं बट लास्ट की स्टॉल्स कुछ ऐसी दिखती है। ये हैंड प्रिंटेड, ये देखो भाई ये कुछ थर्ड फेज आ गया इसका, हम सोच रहे थे वहाँ पे एंड है लेकिन ये तो अभी लग रहा है और भी आगे तक है। अबे बहुत आगे है शायद ये तो, है ना? एग्जिट उधर से कर लेंगे। तो भाई अपने आप से चलने की जरूरत नहीं पड़ रही, अपने आप पीछे से धक्का मिल रहा है। सही बात, थोड़ा आगे जा रहे हैं। सही बात है ना? सही बात बोली तुमने, करेक्ट। और देखो भाई यहाँ इतनी भीड़ है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो भाई को अच्छे से। तो भाई अनाउंसमेंट भी चल रही है यहाँ पे, खोया पाया विभाग जैसे, और आगे सारे फूड स्टॉल है लग रहा है ऐसा मुझे यार। एंड वाले सेगमेंट में आके दिख रहा है खाने पीने के ज्यादा स्टॉल्स लगी हुई है यहाँ पे, वहाँ पे थोड़ी कम लगी हुई थी, हैंडीक्राफ्ट की लगी हुई थी। लास्ट में पूरा यहाँ पे खाने वाने का ही लग रहा है, काफी तगड़ी खुशबू आ रही है इधर से। ये देखो भाई पानी पूरी, मलाई चाप, और क्या क्या है ये, पापा राजी, पापिया गोविंदम, तो कुछ जयपुर की फेमस स्टॉल्स जहाँ पे लगी हुई है। ये देखो भाई, ये भाई लीला जयपुरिया पान है, और यहाँ पे क्या है, बर्गर, बर्गर और चाउमीन, और भाई चाय वगैरह सब यहाँ मिल रहा है। और भी दिखा देता हूँ आपको, नींबू चाट, नींबू शिकंजी, ये भाई नींबू शिकंजी, और ये क्या है फिर से। तो भाई आज लास्ट डे है, इस वजह से काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। जयपुर गई हूँ मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई सब्सक्राइबर मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अपनी जो फैमिली है 30,000 की हो चुकी है, तो काफी बड़ी फैमिली है। जो ये क्राउड आपको दिख रहा है ये भी 30,000 नहीं होगा, तो इतनी इससे ज्यादा बड़ी अपनी फैमिली हो चुकी है, तो इसको सेलिब्रेट करेंगे अपन बहुत जल्दी। तो चलो यार ये एग्जिट गेट है, यहाँ पे बाउंसर लगे हुए हैं डंडे वंडे लेके। एग्जिट के जाते जाते बच्चों के लिए यहाँ पे झूला भी है, तो बच्चे भी जाते जाते खुश हो जाएंगे। एंट्री नहीं करने दे रहे, एंट्री बना एक बार एग्जिट होने के बाद। मार्केट को बंद होने में 3 घंटे बाकी है क्योंकि अभी 10 भी नहीं बजे हैं, 9 मिनट बाकी है 10 बजने में भी, और क्राउड बहुत ज्यादा है। तो भाई जयपुर की एक बात अच्छी लगी कि अभी हाँ दिवाली के कारण यहाँ के रोड चकाचक हो गए यार। भाई लाइट देखिए यार, बाहर से भी कितनी शानदार लग रही है, और हमने तो 1 घंटे में पूरा एक्सप्लोर कर डाला, और इतनी भीड़ थी ना यार कि खड़े होने का भी मन नहीं कर रहा था इतना।
तो मतलब सक्सेस तो क्या ओवर सक्सेस हो गया एक तरीके से, क्यों भाई? बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। इतना सक्सेस थोड़े सक्सेस से हमें नफरत हो गई इतनी सक्सेस से। तो भाई ये अपनी गाड़ी रही और इसके चारों तरफ देखो कितनी भीड़ लग गई यार गाड़ियों की भी। यार 15-20 मिनट की मशक्कत के बाद अपनी गाड़ी फाइनली निकल रही है बाहर। A few moments later. तो भाई अभी अपन आए हैं खाना खाने के लिए मित्रा दी चाप पे। तो अपन ने चाप ऑर्डर की है यहाँ पे अपना, ये तो आ चुका है। कौन सा ये मलाई मसाला है मेरे को तो ये लग रहा है। अपना आ गया है स्टफ्ड मलाई सोया चाप। चुके और डिनर अच्छे से हो चुका है यहीं पे और अब अपन घर चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। चलते हैं, पीस मेरा पेपर क्यों बे ऐसा क्यों लग रहा है तेरे को? इसका खाने का पेपर खराब होगा। मैं पढ़ते हैं जो पेपर उनके पेपर खराब हो वो होते हैं जिनके पेपर, हाँ जो पढ़ लिख के करते हैं ना, जो माता रानी के नाम से जाते हैं उनके पेपर सही सही होते हैं। बेटा तूने वो 3 इडियट वो नहीं देखी था ऐसे कुकरे नहीं यार जय माता दी करके वो लगाता है साले भूल गया क्या वो रिमाइंडिंग सोनू के टिट्टू की सीटी तो नहीं था ना, उसका नाम था अबे वो आलिया भट्ट की डेब्यू मूवी। अरे सोनू हाँ वो कॉलेज स्टूडेंट ऑफ द ईयर स्टूडेंट ऑफ द ईयर। चलो भाई ठीक है भाई लोग, बाय बाय बाय, गुड नाइट।